जी हरजिंदर वालिया यूट्यूब चैनल ते तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, एक बार एक आईएएस अधिकारी मेरे को आया, गल्लांबातां च उसने मैनु गल दसी, कहिंदा यार आत्मा की आवाज़ सुन लैनी चाहीदी है। मैं कोशिश कीती है, सारी उम्र तो नहीं पर अखीरली उम्र च जो मेरी रिटायरमेंट के नेड़े आया उदो मैं जरूर आत्मा की आवाज़ सुनी। उन्हें फिर एक इंसीडेंट दसिया, कहिंदे एक बार एक सियासी लीडर मैनू कहन लगा, कहन की लगा मेरे ते दबाव पाया कि दो ऑप्शन ने, पहली 50 लाख रुपया चक, दूजी बदले लिए तैयार हो जा। कहिंदा मैं बहुत दुविधा च, रिटायरमेंट होने वाली है, 50 लाख मैं कदे इधर सोचा कदे उधर। फिर कहना मैं आत्मा की आवाज़ सुनी, आत्मा की आवाज़ सुन के मैं बदली को तरजीह दी, तो मैं बहुत खुश हाँ कि मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के फैसला ले लिया। ये अक्सर होता है, ये दुविधा है, इस तरह की नहीं, हर तरह की दुविधा होती है साढ़े मन च। बहुत बार मैं सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी है जी, मैनू दसो कि मैं नौकरी छड्डां, छड के कनेडा चली जावां ब्याह करा के, जां इत्थे सरकारी नौकरी है वह भी केंद्र सरकार की, अपनी कोई वधिया मुंडा मिल जू। बहुत दुविधा च इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। फिर एक बच्चा MBBS एडमिशन नहीं जी हुई पर हूँ BDS च हो रही है, कोई कहता BDS बहुत फायदा है, विदेश बड़ा फायदा होंगे BDS च लै लै, कोई कहता एक होर चांस लै लै, समझ नहीं आती की करा। ये जड़ा इस तरह की गल, तो कई आ जड़ा हूँ मैं दस रहा, ये सवाल तो बहुत भर आता है। कुड़िया पढ़दियां ने जो उदो कई बारी वह अपने साथी नाल उन्हां दी दोस्ती उन्हां दा प्यार हो जाता, मैनू कहिंदी समझ नहीं आती मैं लव मैरिज करावां जी, घरदिआं ने मुंडा बहुत वधिया लभिया। हुण इह गल ही इत्थे मेरी दुविधा हो गई कि मैं की करां, उधर जावां कि इधर जावां, जे इधर जानी है घरदे भी खुश ने, नौकरी भी वधिया, तो फिर दूजे पासे कदे सोचदी हां भी वादे उहदे नाल कीते होए ने, ये भी दुविधा है। एक मेरे को अक्सर पत्रकारी का प्रोफेसर होने करके अक्सर बच्चे पुछते सी, देखो जी मैं हूँ एडे वे अखबार च हाँ, बड़ा नाम है, ये लीडर जड़े ने इज्जत करते ने डरते ने, तो हूँ मैं नौकरी मिल रही है पक्की पब्लिक रिलेशन की, जड़े लोग हम डरते ने इन्हों के पिछे पिछे फिरया करो, इन्हों की जी हजूरी करो, पर नौकरी पक्की है, दसो की करा। इन्ने सवाल ने, PhD करते करते नौकरी मिल गई, PhD कंटिन्यू करा जी, आखिर PhD भी तो नौकरी लिए कर रहे हैं, अजकल कितने नौकरियां मिलदियां ने, की करा जी मैं। ये सवाल जड़े ने ना बहुत ने, जिथे तुसी दुविधा का शिकार हो जाते हो तो फिर की करिए। इहदे बारे ना बहुत स्पष्ट मैं लिखिया भी है, कहा भी है कि आत्मा की आवाज़ सुनो, आवाज़ जी आत्मा की आवाज़ सुन के निर्णय लेने हो ना, उन्हें तो पछतावा करे नहीं होंगे, क्योंकि तुसी लिया होंगे निर्णय, तो फैसला अंदर की आवाज़ सुन के लिया होंगे। अंदर की आवाज़ मतलब आत्मा की आवाज़, आत्मा कई बार पछले जी आत्मा कित्थे है भाई, आत्मा जिवें फुलां च खुशबू होंदी है ना, तिलां च तेल होंदा है, लकड़ी च अग होंदी है, दुध च घ्यो होंदा है, गन्ने च मिठास होंदी है, बस इस तरह ही है। इस तरह ही बंदे दे विच आत्मा आती है, खुशबू नज़र तो नहीं आती, होंदी तो है ना, मिठास दिखती है कितें पर होंदी है। बिल्कुल इस तरह आत्मा शरीर च होंदी है, हर प्राणी दे शरीर च होंदी है। ग्रंथ सलाह ही देंदे ने
कि मनुख नू आत्मा की आवाज का कदे भी निरादर नहीं करना चाहिए। गीता चाहता है इंद्रिया जड़िया ने साड़िया उन्हां तो जो सूखम कोई चीज़ है वह मन है। देखो ना हुण आपां भी देखते हैं शरीर है, शरीर तो भी सोचता कौन ना जन गलबात कितने होंगी है, थोड़े चेहरे के हाव भाव उदों बदलते हैं जो थोड़ा मन खुश होंगे या दुखी होंगे उदास होंगे। तो सूखम है शरीर तो सूखम की है मन है, तो मन तो भी सूखम एक चीज़ है बुद्धि है, तो बुद्धि तो भी सूखम है, बुद्धि तो ज़्यादा सूखम आत्मा है। हुण ये जिहड़ी आत्मा है यही सब कुछ है, ग्रंथ ये कहते हैं गीता ये कहती है कि वो कदे भी गलत नहीं होंगी। दुनिया विच सब तो श्रेष्ठ जो कोई गवाह है ना तुहाडा वो तुहाडी अपनी आत्मा है, ये कहा जाता है ग्रंथ ये कहते हैं। अरस्तू ने भी कहा सी कि इंसान जिहड़ा है ना जी ओदी जिंदगी का टीचा की है, अखीरला टीचा सिखर का टीचा है खुशी हासिल करना। असी जो भी काम करते हैं खुशी लिए करते हैं, जिन्ना भी कुछ कर रहे हैं जिसनों चंगा सही ते सच मानते हो उस नाल जा उस मुताबक जीने खुशी मिलती है। ठीक है अपने आप ची थोड़ा जो टीचा खुशी है, खुशी मिलती किमें है जिमें तुम जोड़ना चाहते हो जे उस तरीके जो सको तो थोड़ी खुशी मिलती है, फिर तुम पॉजिटिव महसूस करते हो सकारात्मक महसूस करते हो। असल सब तो महत्वपूर्ण नुकता है ही यह कि अपना आदेश अपनी मंजिल अपनी आत्मा की आवाज सुन के बनाओ, तो फिर जो वो बनाया हो ना पहला दस ना कि अरस्तू कहता कि जिस तरीके ने तुम जीना चाहते हो जो उस तरह जो रहे हो तो खुशी महसूस करोगे। बिल्कुल जे तुम आत्मा की आवाज सुन के कोई टीचा बना लिया उन्होंने प्राप्त कर लिया वो मुताबिक जीने लग गए तो फिर थोड़ी जिंदगी आनंदमई होगी, ये अपन भी पता है। तो बिल्कुल सही गल है, स्टीफन नूं मैं पढ़ रहा सी एक राइटर है वो कहता सफलता की जी पौड़ी है ना वो उत्ते चढ़ते जाओ लेकिन ये जरूर निश्चित कर लो कि जी तुम पौड़ी जी बिल्डिंग ते लाई है वो इमारत जी है वह बिल्डिंग वो सही हो। सो सलाह ही है सही सुपने बनो, खतरे मर लो। जिंदगी विच सब तो बड़ा खतरा खतरे ना मुल लेना होता, जिहड़े कहते ना मोर रिस्क मोर प्रॉफिट वो यही है। ले लो खतरे, फैसला लैन वेले खतरा तो लेना पवेगा, पता थोड़ू नहीं है भविख का, दुबदा तो ही होंगे कई बार थोड़ू बहुत रिस्की फैसले लेने पैदे ने। तो बस यही है, दो तरह खेडे जाते हैं, एक तो खेडे जाता कि जितना है एक हार तो बचना है। बस ये है कि जितने लिए खेडो, हार तो बचने लिए ना खेडो। फिर इस करके बार बार ये कहा जाता है चाहे धार्मिक ग्रंथ लै लो चाहे जिहड़े ने तुहाडे जिहड़ियां किताबां तुहानूं गाइड करदियां ने वह भी यही कहदियां ने कि भाई जे कोई फैसला लेना है तो अपनी आवाज़ सुनो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो तो ही थोड़ी जित होएगी। फैसला लेना किमें है बड़ा सौखा तरीका है, अक्सर पूछते हैं अकांत बैठ जाओ मन एकाग्र कर लो, बैठ जाओ अखा बीचो मन एकाग्र करो अपने आप नाल संवाद करो फैसला आजू, नहीं पेपर ले लो डायरी ले लो एक पासे एक फैसला जे ले रहे हो उहदे प्लस पॉइंट लिख लो उहदे नैगेटिव पॉइंट लिख लो दूजे पासे दूजे दे लिख लो उन्होंने नंबर ला लो फैसला थोड़े सामने। पिछले दिन नहीं एक लड़की कली लड़की है इकलौती लड़की यूनिवर्सिटी चो वधिया नंबर लेके पास हुई है उहदे पेरेंट्स मेरे को लेके आ गए कहते जी ये कनेडा जाना चाहती अजक हर एक बच्चा कनेडा जाना चाहता है वो जावे ना जावे चंगे नंबर ने कर भी सकती है आई एस भी कर सकती है
मैं कभी ये फैसला इनू लैन दो ना तुसी लो ना मैनू लैन दो तो मैं कभी जो तेनू लगता है लिख लै एक पासे लिख लै कि जे मैं जानी है मैं कल्ली कुड़ियां करदियां दी और मेरी माँ का की होना है प्यो का की होना है की मैनू इत्थे जे मैं कंपीटीशन जानी है जित भी लूँ जे नहीं जितूँ जे नहीं जितती तो फिर की हो सकता है जो ब्याह हो गया तो मैं किथे रहूँ की करूँ कि तो जरूरी नहीं कि ब्याह मेरा इस शहर च हो गए जो तरह सारे एक पासे लिख लै दूजे लिख लै एक हफ्ता लगे जी और हफ्ते तो बाद वो आ गई कहिंदी जी मैं फैसला कर लिया मैं तो इत्थे ही रहना है तो तैयारी करनी है मैं अपने पेरेंट्स नहीं छड्डना बिल्कुल इस तरीके हूँ बिल्कुल खुश है तैयारी कर रही है सो निर्णय लैन लई इस तरह करो फिर मैं अखीर दे विच तुहानूं कहूँगा कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो हर दुविधा च आवाज़ सुनो इस तो बिना कोई थोड़ा बड़ा गाइड नहीं हो सकता बहुत सारे गाइड मिलेंगे पेरेंट्स होंगे दोस्त होंगे सब होंगे पर सब तो वधिया सब तो सियाना गाइड जो थोड़ा है वो थोड़ी आत्मा है अज इन्ना ही फिर मिलते हैं बहुत